शार्दुल ठाकुर ने शॉर्ट बॉल डालकर एक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर को आउट करा पार्थिव और वो डक करते नजर आए। कितना प्लीजिंग है ये आपके लिए बतौर एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर और एक जस्ट भारतीय क्रिकेट के फैन, कितना अच्छा लगता है जब एक भारतीय पेसर एक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर को डक करवा रहा है, शॉर्ट बॉल पर आउट कर रहा है। आई थिंक देखने में बहुत मजा आता है ये भारत का जो पेस अटैक है। हम खाली बात करते थे बुमराह, शाफी, ईशांत और भुवनेश्वर कुमार की, लेकिन जिस तरह से ये फास्ट बॉलर्स भी आके गेंदबाजी कर रहे हैं, नवदीप सैनी में भी बहुत स्पीड है, वो अनफॉर्चुनेट है कि वो इंजर्ड हो गए। लेकिन शार्दुल की बात करें तो मैं पहले भी बोल रहा था कि हम बहुत सारे मैचेस फर्स्ट क्लास एक दूसरे के सामने खेले हुए हैं, उनमें वो क्षमता है बाउंसर की, जो डिसेप्टिव बाउंसर है, ऐसा लगता नहीं कि इतना तेज आएगा, लेकिन वो बहुत बार उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बल्लेबाजों को आउट किया हुआ है बाउंसर डाल के। और यू नो हाइट थोड़ी कम होती है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब जो जब गेंद पटकते हैं तो कितना बाउंस होगा, लेकिन वो बाउंस के साथ उनमें पेस भी है, इसलिए आपको देखने को मिला कि मार्कस हैरिस को उन्होंने बाउंसर डाला और ग्लव पे गेंद लगी। बाउंस है, पेस है और जिगरा भी बहुत है। कल पोस्ट मैच इंटरव्यू उन्होंने करा रविचंद्रन अश्विन के साथ पार्थिव, और वहां पर उनसे जब पूछा गया कि आपको कैसा लगा कंट्रीब्यूट करके अपनी टीम के लिए विद द बॉल और फिर विद द बैट, तो उन्होंने बोला कि जब मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ था कुछ ही गेंदें डालकर मैं वापस चला गया था, कठिन था क्योंकि पता नहीं था अगला टेस्ट कब खेलूंगा मैं डोमेस्टिक क्रिकेट गया, मैं ग्राइंड करता रहा, मैं 2 साल तक इंतजार करा मैंने इस मौके के लिए, और अब जब ये मौका आया तो मैं अपना सब कुछ देना चाहता था। दिखाता है कितना जिगरा है और कितना मुश्किल हो जाता है कई बार क्रिकेट, हम क्योंकि बतौर व्यूअर्स, बतौर फैंस जब हम देखते हैं तो हमें 11-15 क्रिकेटर्स देखते हैं, लेकिन उनके पीछे की कहानी जो आगे अगले 15 हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर ग्राइंड कर रहे हैं, उनकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होती है। आई थिंक उनकी कहानियां आपको ज्यादा दिलचस्प होती है क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट वो इतना यू नो आसान काम नहीं है। आपको 4 दिन का मैच खेलते हो, बीच में 3 दिन का रेस्ट होता है और उसमें 1 दिन ट्रैवलिंग हो जाता है, जब आपने कई बार बहुत सारी गेंदबाजी करी होती है फिर भी आपको आपको नेट में जाके गेंदबाजी करनी होती है। वहां पे जैसे भारतीय टीम यहाँ पर नेट में डालने के लिए गेंदबाज है, वहाँ डोमेस्टिक टीम में आपके पास नेट के गेंदबाज नहीं होते, तो आपको ही गेंदबाजी करनी होती है अपने टीम के बल्लेबाजों को, तो वो बहुत सारी चीजें होती है। आप यू नो कई बार आपको रिकवरी का पूरा सामान नहीं मिलता, कई बार यू नो बहुत सारे सेंटर्स है वहां पे आपको खुद अपने आप बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है। तो यू नो डोमेस्टिक ग्राइंड, जो डोमेस्टिक क्रिकेट का ग्राइंड है वो आपको बहुत टफ बनाता है, और स्पेशली यू नो जैसे शार्दुल ठाकुर जैसे वो बहुत दूर से ट्रैवल करके भी आते थे बॉम्बे में, तो यू नो ये सारी चीजें आपको एक ऐसे कगार पे लाके खड़ी करती है कि अब जिस दिन भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, और वही चीज आपके देखने को मिली शार्दुल ठाकुर में, और वही चीज आपको बहुत सारे क्रिकेटर्स में देखने ही मिलेगी, क्योंकि जिस तरह का सिस्टम है, जिस तरह से लोग आते हैं इतना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के, और जो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आते हैं आप में वो चीज, वो एनर्जी दिखेगी कि एक चाह मुझे इंडिया के लिए करना है कुछ, और ऐसा मौका जो बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए आपको वो जिगरा दिखेगा ही दिखेगा।